हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू थिंग्स हम लर्न करने जाएंगे। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे पहले वो देख लो। इसके अंदर हम प्यार सी स्माइल के साथ पढ़ेंगे, असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या होगी इसको पूरी डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स कैसी होती हैं, ठीक है, फिर इसको हम डायग्राम के साथ कैसे करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम रूल टू फाइंड वर्टिकल असिम्प्टोट। हमने रूल फाइंड करने, वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे फाइंड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर टू और थ्री एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज ऑन द सेम कि जो हमने सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो बने रहेंगे इसके साथ, वीडियो के साथ आप बने रहना, प्लीज डोंट ट्राई टू स्किप दिस वन, ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं लगेगा। इट इज लिटिल बट डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास है क्या डेफिनेशन, देखो असिम्प्टोट की जो फर्स्ट डेफिनेशन वो क्या कहती है कि असिम्प्टोट क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब असिम्प्टोट हमने निकालना किसका, गिवन कर्व का हमने निकालना है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड एन असिम्प्टोट ऑफ एन इन्फानाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व। आपको कोई भी कर्व दी होगी लेकिन वो कर्व की इन्फानाइट ब्रांच की हम बात करें, उस इन्फानाइट ब्रांच ऑफ कर्व का असिम्प्टोट हमने निकालना जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब वो स्ट्रेट लाइन आपके पास बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमने किस स्ट्रेट लाइन को असिम्प्टोट कहना है, दैट इज यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला है कि इफ एंड ऑनली इफ वो लाइन हमारे पास कैसी होनी चाहिए, ऑन वन साइड ऑफ द ब्रांच ऑफ कर्व, जो भी आप कर्व ड्रॉ करेंगे उसके या तो लेफ्ट में या राइट में या अप में या डाउन, उसकी एक तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है, उस कर्व ब्रांच जो हमारे पास कर्व दी होगी उसके आइदर नीचे ऊपर कुछ भी हो सकती है, एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है, उसको कट नहीं करनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। अब उस सेकंड पॉइंट क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ऑफ अ पॉइंट ऑन इट, आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट उठा लो, एक पॉइंट कर्व के ऊपर निकाल लो, उन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास वो टेंडिंग टू जीरो करेगा एज इन्फाइनेटली अलोंग दैट ब्रांच। तो वो इसका मीनिंग क्या होगा, अब इसको ना पूरी डेफिनेशन को एक मैं एग्जाम्पल की हेल्प के साथ समझाता हूँ, डायग्राम के साथ। अब देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है हमारे लिए। अब देखो ये हमारे पास कर्व है, इट इज एनी कर्व, हमने कर्व ली हुई है और जहां पर एक स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है, इस कर्व के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर है, ठीक है, ओके, नंबर वन। नंबर टू देखो, अब जो हमारे पास कर्व दी हुई, यदि आप इसको इन्फानेटली इसको करेंगे एक्सटेंड करेंगे करेंगे और इधर भी आपका सेम चलेगा। अब देखो एक चीज कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व दोनों आपस में मिल नहीं रहे, किसी भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं करे। अब लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यदि आप इस कर्व को इन्फानाइट की तरफ लेकर चलेंगे तो धीरे 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 हो सकता है कहीं ना कहीं इन्फानाइट पर जाकर ये दोनों किसी एक पॉइंट पर टच कर दे। इसकी श्योरिटी नहीं है लेकिन हो सकता है। अब देखो यदि आप जहां पर एक पॉइंट उठाते हो और एक पॉइंट इसके ऊपर उठाते हो, दोनों के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अब जहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, अब हमें लगता है कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो धीरे 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 जीरो हो सकती, लेकिन कब हो सकती, इन्फानाइट पर पहुंचने के बाद। इसका मीनिंग इम्पॉसिबल थिंग, इसका मीनिंग क्या लग रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एंड कर्व कभी भी मिलेंगी नहीं, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों मिलेंगी कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेंगी, दैट इज बहुत दूर जाकर मिलेंगी। इस चीज़ को, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमें ऐसा लगता है कि गिवन कर्व को मिल नहीं रही लेकिन हम सोच रहे हैं या फिर हमें ऐसा अनुमान हो रहा है कि द गिवन स्ट्रेट लाइन जस्ट मे टच द गिवन कर्व एट इन्फानाइट। यदि आपको ऐसा लग रहा है उस स्ट्रेट लाइन के कि वो कहीं ना कहीं इन्फानाइट पर जाकर गिवन कर्व को टच कर सकती है, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम गिवन कर्व का क्या बोलेंगे, असिम्प्टोट, ठीक है। देखो कितना जोर लग रहा है। अब ये तो होगी डेफिनेशन, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हो गया क्लियर तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आकर आप लिख सकते हैं कि डेफिनेशन इज क्लियर नंबर वन, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, डेफिनेशन क्लियर। अब टाइप टू कि इसकी टाइप्स कैसी होती है, टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट राजे टू टाइप्स की होती है, एक रिक्टेंगुलर असिम्प्टोट होती है, एक हमारे पास ऑब्लिक असिम्प्टोट होती है। अब रिक्टेंगुलर असिम्प्टोट क्या होता है, एक ऐसा असिम्प्टोट दैट इज इफ एन असिम्प्टोट टू ए कर्व इज आइदर पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गए तो उसको हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं, एंड विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो इसका मीनिंग, ये तो बहुत सिंपल है, टाइप्स तो बहुत सिंपल होगी कि वो असिम्प्टोट जो या तो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको हम रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर कैसे जा सकते हो, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एंड दोस असिम्प्टोट विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस आर नोन एज अ रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट, ठीक है। अब इसके अंदर भी टू टाइप्स होती है डियर, दोज असिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल
असिम्प्टोट बोलेंगे, एंड दोज असिम्प्टोट जो कि पैरेलल टू हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल असिम्प्टोट। तो रेक्टेंगुलर के अंदर दो टाइप्स हो गई, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया जो जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, और हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया जो हमारे पास सेकेंड केस है। ऑब्लिक कैसा होता है, जो ना कि ना इधर हमारे पास नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई। अब देखो जी, जो हमारे पास थर्ड डायग्राम है इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करी है, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर एक आपको कर्व दी हुई है, हमें लगता है जी, लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेंगे, इसका मीनिंग इट इज़ अ सिम्प्टोट टू द गिवन कर्व, और ऐसे हमें नीचे लग रहा है। अब जो जो कर्व है ऊपर वाले पोर्शन के भी, यदि हम ऊपर वाली कर्व की बात करें तो इसके जो डाउन चल रही है, यदि हम इसकी बात करें तो इसके अप चलती है, मीन वन साइड के ऊपर है कर्व के, ओके, तो इट इज़ अ सिम्प्टोट। अब ये जो सिम्प्टोट ना तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ एन ओब्लिक असिम्प्टोट। तो हमारे पास क्या सीखा हमने, असिम्प्टोट की डेफिनेशन सीखी हमने, इसकी टाइप देखी रेक्टेंगुलर सिम्प्टोट एंड ओब्लिक असिम्प्टोट देखा। अब उसके आगे भी हमने ये समझा कि इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट होते हैं, हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट होता है, और ओब्लिक कैसा होता है जो कि नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर काम करा है। नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले, रूल टू फाइंड द वर्टिकल असिम्प्टोट, कि हम इन असिम्प्टोट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, ठीक है। तो प्यारी सी स्माइल बनाए रखे जहाँ तक। अब इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक उसका हेडिंग देखो क्या है, कि रूल करना है हमने, रूल टू फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट टू द गिवन कर्व। अरे वाह, गिवन कर्व की बात करिए तो ये कैसा होगा डियर, इसके अंदर ना हमारे पास दो केस चलेंगे। केस नंबर यदि हम वन की बात करें, केस नंबर वन हमारे पास होगा एंड केस नंबर टू का बहुत ध्यान से देखना, साथ साथ में हम इसको करेंगे, ठीक है। अब केस वन के अंदर क्या कह रहा है कि इफ द, अब मैं जहां पर बोलूंगा साथ में, ठीक है, अपने सुनना ध्यान से। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दी हो सकती है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास कर्व है, ठीक है, इट इज एन कर्व, आपको कोई भी कर्व दी हो सकती है, लाइक वो मिक्सचर हो सकता है कि एक्स और वाई की टर्म मिक्सिंग में है। तो इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन बी पुट इनटू द, जो आपके पास गिवन कर्व दी हुई, यदि आप उसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स फॉर्म में, हम उसको शिफ्ट कर दिया ओवर डिनोमिनेटर के अंदर भी x है, कि हमने न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास x और x का फंक्शन y हमारा एक तरफ है, दैट इज गिवन कर्व की बात करें, इफ वी कैन राइट गिवन कर्व इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, व्हेन nx, dx आर द पॉलीनोमियल्स। यहाँ पर हेयर हमारे पास nx एंड हमारे पास dx क्या है, ये पॉलीनोमियल्स है, आर पॉलीनोमियल्स, ठीक है, ये हमारे पास कैसी क्या चीज़ है, ये हमारे पास पॉलीनोमियल्स है इन x है विदाउट एनी कॉमन फैक्टर, इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यदि है तो वो पहले से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि गिवन कर्व को हम y इक्वल टू nx ओवर dx फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, nx एंड dx हमारी पॉलीनोमियल्स होंगी, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो देन आप वर्टिकली जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देन वर्टिकल जो हमारे पास होगा सिम्प्टोट्स, देन वर्टिकली जो हमारे पास हमने फाइंड आउट करने हैं, दैट इज असिम्प्टोट। कैसे करेंगे असिम्प्टोट, कैसे फाइंड हो गए राजी, आर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, आर ऑब्टेन्ड वाई इक्वेटिंग टू जीरो, वाई इक्वेटिंग टू द जीरो, किसको जीरो करना है, द लीनियर, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, द रियल लीनियर फैक्टर ऑफ डी एक्स, फैक्टर्स ऑफ डी एक्स। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमने वर्टिकली फाइंड करना है कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास वो सिम्प्टोट है कैसे फाइंड करेंगे, गिवन कर्व को एन एक्स बाय डी एक्स फॉर्मेट में हमने लिख लेना है, उसके बाद इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए हेयर, इसके बाद हमने ना जो डी एक्स है इसके आपने अब क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास लीनियर फैक्टर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ लीनियर फैक्टर की बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देन वर्टिकली असिम्प्टोट्स आर ऑब्टेन वाई इक्वेटिंग टू जीरो द रियल लीनियर फैक्टर्स ऑफ डी एक्स, जो हमारे पास डी एक्स के लीनियर फैक्टर रहेंगे उनको इक्वल टू जीरो करेंगे, वहाँ से जो आपके पास वैल्यूज आएगी एक्स की, दैट गिव अस द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट हमें दे देंगे, ठीक है, ये हमारे पास पहला केस आएगा, ठीक है। अब केस नंबर टू भी तो हो सकता है ना, केस नंबर टू कब होगा कि वेन वी आर नॉट एबल टू राइट द गिवन क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट एन एक्स ओवर डी एक्स फॉर्मेट में, हम लिखने में क्या होंगे पॉसिबल नहीं है, दैट इज ध्यान से सुनना, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन नॉट बी पुट, यहां पर क्या आएगा कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एन एक्स ओवर डी एक्स,
यदि हम गिवन कर्व को कैन नॉट बी पुट इन टू द फॉर्म दिस वन, ठीक है, तो देन हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो देन हमारे पास क्या होगा, जो वर्टिकली डियर आपके पास असिम्प्टोट होगा, वी कैन फाइंड दोस असिम्प्टोट्स। आओ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय इक्वेटिंग टू जीरो द रियल लीनियर फैक्टर्स इन द कॉफिशेंट। हमने क्या करना है राजे, इस अंदर केस के अंदर आपने क्या करना, कॉफिशेंट क्या करना है, कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट जो हमारे पास पावर होगी, कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ वाई आपने देखना कितना, उसको इक्वल टू जीरो रख देना है, ठीक है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसके अंदर आपने क्या करना, कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ वाई उसको इज इक्वल टू जीरो करना है, लीनियर रियल लीनियर फैक्टर्स इन द कॉफिशेंट, ठीक है, इस कॉफिशेंट के अंदर हमारे पास रियल लीनियर फैक्टर होगा ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ वाई, उसको हम इक्वल टू जीरो रखेंगे और वहाँ से हमारे पास आ जाएगा। बोरिंग तो नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। जी हमारा केस हो गया जब हम क्या करें, वर्टिकल फाइंड आउट करें, वर्टिकल तो सेम लाइन के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल फाइंड करना। जब डियर आप हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करोगे, एक एग्जांपल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, जब आप वर्टिकल फाइंड करते हो वाई को करना, जब हम हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर के आपके पास कैसा होगा, जब आप हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर जो इक्वेशन आपकी होगी वो एक्स इक्वल टू एन वाई ओवर डी वाई टाइप होगी, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल फाइंड करना, तो एक तरह से हमारे पास ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया कि फर्स्ट केस के अंदर आप हम लिखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो गिवन एक्स है एन वाई ओवर डी वाई टाइप होना चाहिए, एन वाई एंड डी वाई हमारे पास कैसे होने चाहिए, विद नो विदाउट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो फिर हम डिनोमिनेटर डी वाई जो हमारे पास आ रहा है इसके रियल लीनियर फैक्टर्स निकाल लेंगे और इनको इक्वल टू जीरो रखेंगे, वहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास है असिम्प्टोट आ जाएंगे, ये केस वन रहेगा। और केस टू के अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि इफ वी आर नॉट एबल टू राइट द गिवन कर्व एज एक्स इक्वल टू एन वाई ओवर डी वाई फॉर्म के अंदर नहीं लिख पाते हैं, इन दैट वे जो हमने फाइंड आउट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जहां पर कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स निकालेंगे और इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे, इसका जहां पर रियल लीनियर हमने क्या करना, रियल लीनियर फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं, फैक्टर्स ऑफ हाइएस्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑफ कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द वे, अब जहाँ तक तो हो गया, लेकिन करना कैसे अभी भी यदि माइंड के अंदर नहीं आया, तो जो नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे, दो एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर से फुल आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, बस बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते डियर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, जो भी हमने अभी तक लर्न करा एग्जाम्पल के साथ उनको देखते कि सॉल्व कैसे करना है, एक्चुअल के अंदर यदि न्यूमेरिकल पार्ट आता तो फिर हम कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है कि फाइंड द असिम्प्टोट्स इफ एनी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट दैट इज हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फाइंड करने, हमारे पास तीन क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन उठा लो, करेंगे कैसे, अब जो हमने केस टू करा था ना, तो केस टू इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम केस टू की हेल्प के साथ ही करेंगे कि हम गिवन कर्व को लिख लेंगे, उसके अंदर से हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वाई पहले निकालेंगे। यदि डियर आप इसको ओपन करते तो आपके पास यदि ओपन करेंगे तो पहले आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर एंड साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4, दूसरी तरफ से आप इधर आ जाओ तो एक्स की पावर जी आ जाएगा और माइनस 9 इंटू वाई की पावर 4 इज इक्वल टू जीरो आपके पास आएगा, ठीक है, इतना आ जाओ। अब डियर जब आपने कहना कि सबसे पहले हम वर्टिकल निकालते हैं, ठीक है, कि वर्टिकल असिम्प्टोट हम निकालना चाहते हैं, तो वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए आपने क्या करना होता है, आपने पुट करना है, आपने किसको पुट करना है, कॉफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। अब वाई की हाईएस्ट पावर कितनी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक वाई की हाईएस्ट पावर 4 जहाँ पर, एक इधर है, ठीक है, तो आप इसके कॉफिशेंट लिख लो। अब हमारे पास क्या है, पहले वाले के अंदर से एक्स स्क्वायर आ रहा है, वहाँ दूसरे टर्म के अंदर से माइनस 9, इन दोनों को जीरो कर दो, ठीक है, इतना हमारे पास जीरो आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, तो दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 3 कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस 3। यदि आप कोऑर्डिनेट फ्रेम प्लॉट करेंगे और वहां पर एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल माइनस 3 प्लॉट करेंगे तो दीज आर दी असिम्प्टोट्स जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे, इनको हम वर्टिकल असिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है, तो यू कैन राइट हियर कि दीज आर द वर्टिकल असिम्प्टोट्स, नंबर वन, कितना आसान था, ठीक है। अब नंबर टू देख लेते हैं साथ में कि हॉरिजॉन्टल कैसे फाइंड करने हैं। जब आप डियर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड आउट करोगे, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड करेंगे, फिर आपने क्या करना होता है, फिर हम पुट करेंगे कॉफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स का हाइएस्ट ऑप्शन कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी 4, तो पहले वाले के साथ में हमारे पास वाई स्क्वायर लगा हुआ है, दूसरे के साथ माइनस का 4, दोनों के इक्वल टू जीरो रख दो। तो डियर जहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी तो दैट इज वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, बाई टेकिंग प्लस माइनस अंडर रूट 4, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यू कैन राइट हेयर कि वाई इज इक्वल टू
प्लस टू कॉमा माइनस टू आर असिम्प्टोट है जो कि हमारे पास क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने बहुत ही आसानी से निकाली है कि कैसे हम निकाल सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है। तो सेम लाइन के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी करते हैं। तो डियर अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, इसके अंदर हमने कैसे करना पहले की तरह। सबसे पहले इस क्यू होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आ जाएगा। दूसरी तरफ से आप इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब डियर अब जब आप निकालोगे पहले वाला वर्टिकल असिम्प्टोट, जैसे हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट लिख दिया असिम्प्टोट, ठीक है, निकालोगे हमने क्या करना, तो हमने पुट करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोएफिशिएंट, और तो हाईएस्ट पावर वाई की कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर आ रही है। तो एक यहाँ पर वाई स्क्वायर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, तो एक तो आपका फर्स्ट आ जाएगा वन आ जाएगा, दूसरे के साथ माइनस एक्स का लगा, दोनों को इक्वल जीरो रख दो। कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या आएगा, कोएफिशिएंट निकालने होते हैं आपने जो भी मैक्सिमम पावर आ रही है, तो वाई स्क्वायर मैक्सिमम या इधर आपका प्लस का वन है इधर माइनस एक्स का, दोनों को आपने इक्वल जीरो कर दो, वहां से आपके पास एक्स स्क्वायर वन आ जाएगा, तो दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज, तो आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन आर दी असिम्प्टोट जो कि आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम डियर हॉरिजॉन्टल आप निकालोगे कि हमने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है, तो हाउ कैन वी फाइंड दिस वन, इस केस के अंदर हम पुट करेंगे हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशेंट को जीरो। अब आपके पास एक्स स्क्वायर एक तो इधर मिल रहा है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर इधर मिल रहा है, तो फर्स्ट सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन वन है और दूसरे के अंदर भी एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, तो माइनस का वाई स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। तो डियर इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर दैट इज वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन, तो देयरफॉर यू कैन राइट कि वाई इज इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन आर दी असिम्प्टोट जो कि हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये हमारा हो गया। अब डियर यदि हम थर्ड की बात करें, तो हमारे पास थर्ड के अंदर आपके पास दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इधर यदि आप ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स और प्लस का आपके पास टू निकल कर आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और y इज इक्वल टू ओपन द ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा प्लस का टू एक्स आ जाएगा। ये जब आप वर्टिकल निकालने की कोशिश करोगे कि हम वर्टिकल असिम्प्टोट निकालना चाहते हैं, ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड द वर्टिकल असिम्प्टोट, तो हम क्या करते हैं, वी वॉन्ट टू पुट, तो आप जब से पुट करोगे इसके अंदर y का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है, ठीक है, और इसका कॉप्शन कितना आ रहा है, इसका कॉप्शन 1 है, तो जैसे आप करोगे कि पुट 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या होगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो जैसे ये इम्पॉसिबल होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि इस केस के अंदर हमारे पास एक कोई भी ऐसा सिम्प्टोट नहीं होगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्स होगा, तो देयरफॉर फिर तो आप यहाँ पर लिखोगे देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के कोई भी असिम्प्टोट नहीं है। तो डियर इधर ही कर लो, क्या एक्स के होगा, अब अरे वाह वाह, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, थ्री आ रही है और इसका कॉप्शन भी वन आ रहा है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल वाला लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, वहाँ पर लाइन थी लिख देना कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जीरो, इसका मीनिंग भी वन इज इक्वल टू जीरो, अगेन नॉट पॉसिबल आएगा, अगेन नॉट पॉसिबल, एक्स की पावर थ्री मैक्सिमम का कोएफिशिएंट वन है, वन जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग इस कर्व के लिए पैरेलल टू एक्सिस भी कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो इन दो केसेस के अंदर हमने कैसे करा, तो तीन एग्जांपल हमने जहां पर करी, यदि आपको एग्जांपल समझ लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि नेक्स्ट जो आपके पास नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे नेक्स्ट वीडियो की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। तो जहां पर हमने आज हमने क्या करा, एक बार उसको फॉलोअप कर लेते हैं कि हमने सीखा, हमने असिम्प्टोट की डेफिनेशन सीखी, हमने टाइप्स ऑफ सबसे सिम्प्टोट देखा जिसके अंदर रेक्टेंगुलर होता है, जिसके अंदर टू रहती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, फिर हमने ऑब्लिक असिम्प्टोट की बात करी, फिर हमने रूल टू फाइंड द असिम्प्टोट देखा, उन रूल्स को लिखा और उन रूल्स के ऊपर जो हमने तीन क्वेश्चन करे कि हाउ टू फाइंड द जो हमारे पास असिम्प्टोट है पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम ऑब्लिक जो हमारे पास असिम्प्टोट रहेंगे उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल ऑल्सो, दैट्स लाइफ क्यूर्स।